इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम आपको बता दें एक बार फिर कि ब्रिक्स समिट इस वक्त चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उनके ओपनिंग रिमार्क्स हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने आतंकवाद पर बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि ब्रिक्स अब काउंटर टेररिज्म के लिए भी काम करेगा। इन सब बातों को जोड़ते जाइए तालिबान के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी भरोसा दिया कि वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी भविष्य में ब्रिक्स अब काम किया करेगा। यह माना जा रहा था कि भारत फिलहाल अपने सबसे बड़ी चिंता की ओर बाकी सदस्यों का ध्यान जरूर दिलाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार और पल पल बदलते हालात पर भारत की पैनी निगाह है, इसीलिए ब्रिक्स सम्मेलन में आतंक के खिलाफ एकजुट होने पर भारत ने ओपनिंग रिमार्क्स में ही प्रधानमंत्री ने जोर दिया। अगर अब तक के भारत के रुख की बात करें तो भारत फिलहाल अफगानिस्तान को लेकर देखो और इंतजार करो की रणनीति पर ही काम कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में अहम भागीदारी रूस और चीन की भी है और आपको बता दें रूस और चीन ये दोनों वो देश हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अपना दूतावास अभी तक बनाए रखा है। ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसे वक्त में ये समिट हो रहा है जब तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया और मुल्ला हसन अखुंद को नेतृत्व सौंपा गया है, इसलिए आज की बैठक पर अमेरिका की भी निगाहें जरूर रहेंगी। रूस और अमेरिका दोनों ही अफगानिस्तान में बहुत सक्रिय हैं और माना जा रहा है कि भविष्य की रणनीति तैयार करने में उनकी भी एक अहम भूमिका रहने वाली है। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी अडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कह रहे हैं। सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री हैव फूट फॉर डेकेड्स एंड डिजर्व टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ डिफाइनिंग व्हाट देयर स्टेट विल लुक लाइक ऑन देयर ओन। मीनवाइल वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान्स सीजन टू बी अ थ्रेट टू द नेबर्स सो दैट द अफगान टेरिटरी would be a source of drug trafficking and terrorism. We are interested in stopping migration flows. We are for Afghans living in peace and dignity on their soil. I have said on numerous occasions that a new spiral of crisis in Afghanistan stems directly from irresponsible attempts to impose alien values from the outside and intention to build a so-called democracy. Democratic structures using the patterns and methods of social and political engineering without taking into account either historic features and disregarding the traditions that other people have followed. It results in destabilization and chaos, and after that the authors of these experiments back down, leaving those they have paternalized to their own devices. And the entire international community will have to clear up the mess as a result. I'm confident that we can ensure progressive development of the international relations only through guaranteeing the coexistence of states with different political and social systems, their own national interests and spiritual and moral values. However, we must strictly observe the fundamental principles of international law enshrined in the UN Charter, including non-interference into the internal affairs and respect for sovereignty. It is also important to support and develop internationally the interaction based on mutual respect and constructive and effective approach. तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े खुलकर बात की है। उन्होंने अफगानिस्तान के हालात के लिए बिना नाम लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया और कहा कि फॉरेन वैल्यूज उन पर थोपने की कोशिश की गई और उसके बाद जब वो सब कुछ छोड़कर चले गए तो ये बाकी देशों के जिम्मे काम आया कि वहां जो हालात बने हैं उनको संभाले। उन्होंने तीन बहुत अहम मुद्दे कहे जो प्रधानमंत्री की अपनी स्पीच से भी जुड़ते हैं, मेल खाते हैं। उन्होंने कहा काउंटर टेररिज्म, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से आतंकवाद के लिए। प्रधानमंत्री ने भी काउंटर टेररिज्म की बात की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें देखना
ना वहां से माइग्रेशन ना हो, जो लोग वहां से निकलने के लिए बेताब हैं उनको किसी तरह भरोसा दिया जाए, और ड्रग ट्रैफिकिंग जो कि तालिबान की कमाई का मुख्य स्रोत है उसको किस तरीके से रोकना है, तो इन सब बातों पर जोर दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता करते हुए अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि आतंकवाद को लेकर अब ब्रिक्स काम करेगा। तो प्रधानमंत्री का यह बड़ा इशारा जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए है, और क्या तालिबान जैसे अब जो अंतरिम सरकारें बनी हैं उनको भी ये सबक सीखना पड़ेगा। इसी पर होगा आज का कुरुक्षेत्र शाम 6:20 पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।